तू अभी तक कहाँ थी तू? हैं? ठीक है तू? और? चूंकि मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूँ जिसको देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, द लैंड ऑफ गॉड। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम अपने 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आप सभी को एक बार पुनः मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पैक हो रखा है। हालांकि अभी बारिश रुक रखी है, लेकिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से मैं भी बाजार नहीं जा पाया दूध देने। और सोच रहा था मैं कि 15 अगस्त की जो झांकियाँ निकलती है उनको भी कैमरे में कैद करूँ, लेकिन क्या करूँ, बारिश इतनी भयंकर थी कि मेरे ख्याल से वहाँ जो रैलियाँ थी वो भी शॉर्टकट में निपटाई गई। तो कुछ ऐसा यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं अभी। और शेरू अपना आराम कर रहा है, तो मैं चलता हूँ अभी मार्केट और मार्केट देना है मुझे दूध। तो मम्मी जी ये नहीं, पहले दूध दीजिए फिर चलते हैं यहाँ से। माँ ने दिए 500 रुपये और इस 500 के पीछे इतना सुना दिया, क्या बताऊँ मैं। ऐसे होता है भाई, अगर आप बेरोजगार हो तो ऐसे सुनना पड़ता है आपको। हालांकि मैं भी अपने पैसे से जो सामान लाता हूँ उसकी कोई गिनती नहीं होती है, लेकिन अगर आपने गलती से घर वालों से पैसे मांग लिए तो उसके बाद आपकी खैर नहीं। तो चलिए कोई नहीं, झेलना पड़ेगा। अब ले जा रहा हूँ मैं दूध, चल बने गया। तो भाई साहब, कुछ ऐसा है यहाँ का रास्ता जैसे कि आप डेली ब्लॉगिंग में देखते हैं, बस ये चढ़ाई जिसको मुझे चढ़नी है अभी। और अपना एक जो मेरा सीन हुआ था एक बार कॉलेज में, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, स्कूल में हुआ था एक बार। तो जो मेरा सीन हुआ था स्कूल में, ऐसा था कि उस दिन भी था 15 अगस्त, और भाई पहले जोंक लग गई, इसको हटा दो। मैं ये देखिए जोंक, अरे तो आज तो बारिश हुई, आज तो ज़्यादा खतरा है जोंक का। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था और 4थी या 5वीं क्लास में था मैं, मेरा भी कार्यक्रम था उस दिन। और जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था मैं बहुत घबरा रहा था कि यार मैं क्या बोलूँगा, इतनी सारी भीड़ है। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया तब तक बारिश हो गई भयंकर वाली। भाई मैंने भगवान से इतनी प्रेयर की ना कि हे भगवान, तू सच में इस दुनिया में, तूने मेरी सुन ली। लेकिन आज सोचता हूँ काश उस दिन बारिश नहीं होती तो ठीक ठाक आ लेता मैं भी। तो भाई यही होता है, अगर आप बचपन से ठीक ठाक बोलते हो ना तो आपको आगे आने में दिक्कत नहीं होती फिर। तो मेरा ये 11वीं 12वीं से फिर शेड्यूल बना था कि मैं खुल के बोलने लग गया था आगे जाके, लेकिन बचपन में सच बताऊँ तो बहुत शर्माता था मैं। ऐसा भी होता है बचपन में, किस किस के साथ हो आप बताना मेरे को, लेकिन हाल फिल चलते हैं। तो कॉलेज में मुझे डीजे की आवाज़ जो सुनाई दे रही, इसका मतलब कार्यक्रम बड़े खतरनाक ढंग से चल रहा है। हाँ क्या तो कहनी, तो कख थे तो नहीं तो बड़े हथियार जाता मैं। सरकारी घी कख मिल दो, वरन नहीं मिल सरकारी घी। दादी जी मिले, दादी जी बोल रहे थे कि सरकारी घी लाओ, मैं भी शौक हो गया सरकारी घी क्या होता है। अभी शायद कुछ और बोलना चाह रहे थे, वो समझा नहीं पाए, लेकिन मैं समझ गया था कि दादी जी कुछ और बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए यार, काफ़ी लेट हो गई है, दूध मैंने दुकान पे दे दिया और मैं जा रहा हूँ घर। ये मैं पहले मार्केट आ रखा हूँ, अब दूसरा मार्केट जो हमारा है ये इधर साइड वालों का है सबके, लेकिन थोड़ा इधर साइड है। तो भाई कुछ ऐसा व्यू है आज गांव का, बिल्कुल शांत हो रखा एकदम, क्योंकि मौसम काला हो रखा तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कुछ दुर्घटना हुई होगी, ऐसा जैसे पूरे इलाके में शोक की लहर होगी। बिल्कुल शांति का माहौल एकदम। और इसी रास्ते में बहुत सारी जोंक इंतज़ार कर रही है कि कब कोई आए और उस पर हम चिपक जाएँ। चलिए अब चलते सीधे घर। माँ, ओ माँ ले शेरो, क्या कर रहा? तो चलिए जरा भ्राता के यहाँ चलते हैं, भ्राता जी भी कल रात बहुत कॉल कर रहे थे, तो देखते हैं पूछते हैं उनको, क्योंकि मैंने मोबाइल साइलेंट कर रखा था तो उनकी 11 बजे कॉल आ रही थी, तो पूछ लेते हैं अभी क्या हुआ।
तो भाई सावन के महीने ऐसी घास जमती है पूरे रास्ते में। तो चलिए भाई साहब, क्या मैं आ गया हूँ। पहले मैं पांव देख लेता हूँ, जोंक तो नहीं लग रही। तो भाई साहब चेक करना पड़ता है जोंक का। चलो नहीं है, अच्छी बात है। बोलिए प्रणाम 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 प्रणाम। अरे देखो, जय हो, कैसे हो आप? अरे यार आज कुछ नहीं लाया, आज मेरे को याद ही नहीं रहा, बाद में लाएंगे हैं। तो बुढ़ी जब प्रणाम करती तो उसके बाद ये जरूर पूछती है कि आपने कुछ लाया। लेकिन यार बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को याद भी नहीं रहा, तो शाम को लाऊंगा, ठीक है? ओके, ऐसे करो, ओके यस। तो बुढ़ी के लिए शाम को लाया जाएगा। आप नाराज तो नहीं हो? पक्का? अच्छा, तो बुढ़ी शर्मा शर्मा के नाम भी बोल रहे, मन मार के ना बोल रहे, हालांकि नाराज है मुझसे, लेकिन उसको पता है कि चाचा जी शाम को ला ही देंगे। बुढ़ी कैसे खींच रही वहां। तो मैं भाई साहब के यहाँ बैठ रखा हूँ और भाभी जी अभी अभी गए यहाँ से स्कूल कार्यक्रम देखने, तो मैंने भाभी जी को बोल दिया कि आप वहाँ से वीडियो बना के लाना, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि पहाड़ों में 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है, बच्चे यहाँ कैसे प्रोग्राम करते हैं। हाल फिल मैं यहाँ बैठ रखा हूँ तो मौसम देख रहा हूँ, मौसम का भी मतलब लगभग ऐसी है जैसी है। तो ये देखिए आप, कौनगढ़ के पीछे जो पहाड़ी है उस पर कितना भयंकर कोहरा लग रखा है और तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। तो भाई साहब कुछ ऐसा है मौसम। और मौसम की बात करूँ तो अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई थी आधा घंटे तक, और फिर से हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग गई। तो चलिए भाई मैं घर आ गया। अरे वाह, अनीता आ गई यार, ये देखो ये आ गई, ये सेल्फी इंसान है, देखो यार। ए बाबा कन्ना जी, तो एक ठुमका मार दे प्लीज, एक ठुमका मार दे, एक ठुमका मार दे यार, मार। हाँ ऐसे, हाँ कैसे कैसे घूमी, एक ठुमका मार, बस एक ठुमका मार कसम से, बस मेरे व्यूअर्स को एक ठुमका दिखा दे अपने। बसंती चल चल, बसंती चल चल, बसंती यहाँ पे चल, बसंती नाचने का नाच, क्या तैयार हो? अरे गाने तन्ना दो, पहले नाच, तो भाई देख रहे हैं आप इस नचार का डांस, बहुत नचार है, ऐसी बात नहीं, पागल है पागल पागल है। कमेंट भी आ रहा था किसी का कि अनीता बहन वाला पागल जरूर है लेकिन दिल की सही है। किसने बोला? तो दोस्तों किसी भाई का कमेंट आया था कि अनीता बहन जरूर पागल है लेकिन दिल की साफ है, तो क्या कहना चाहोगे आप उनको? सही बोला उन्होंने। लेकिन तो भाई पागल नहीं हूं, पागल नहीं हूं। पागल को बताना पड़ रहा कि मैं पागल हूं। अच्छा, तो दोस्तों क्या करे, इसका दिमाग ज्यादा सटक रखा है आजकल, चाय बना पागल जा ना। तो दोस्तों ये पागल चाय बनाएगी तो इसका ये पागल नहीं, अगर ये चाय नहीं बनाएगी तो ये पागल है, बता। बनाएगी बनाएगी ना, तो चले वेट करता हूँ मैं, चाय का वेट करते जरा चाय। तो दोस्तों फाइनली इस पागल लड़की ने ला दिया चाय। पागल? हाँ क्या है तू, सटकी हुई है तू? इस सटकी हुई लड़की ने चाय ला दी है, जो कि यहाँ से रक्षाबंधन के दिन भाग गई थी, क्या करे इसका दिमाग काम नहीं कर रहा आजकल। तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों चाय की चुस्की लेने का मजा ही कुछ और है, और इस पागल को देखो यार। ये क्या करे, इसका बोलने में सही कि मैं क्या करूं जो पागल हो गई, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, ऊपर वाला जब नस को सटका देता है ना उसके बाद इंसान भूल जाता है इधर उधर। ये भूल गई थी कि एक भाई आए, ये ऊपर भाग गई थी वहां, इसलिए पागल है ये, मेरी नजर में पागल है, सबसे बड़ी पागल है, बहुत पागल है, नहीं पागल है, डॉक्टरों ने भी इसको पागल घोषित कर दिया है। तो भाई साहब मौसम का हाल बताऊं तो अभी थोड़ी देर तक बारिश रुकी हुई थी और उसके बाद फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो देख सकते हैं आप ऐसा है व्यू अभी, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी फिर से होने लग गई है, आप इस बाल्टी में देख सकते हैं यहाँ। और इसकी बात की जाए तो जैसे मैं बाहर आता हूँ ये डर के मारे पूछ लाना स्टार्ट करता है, भाई क्या भाई। तो भाई ऐसा रहा आज का दिन, और ये क्या कर रही है, क्या कर रही है लड़की तू, क्या कर रही तू, क्या कर रही तू, कुछ नहीं, कहाँ थी तू अभी, स्कूल में, तो अभी तक
कहाँ थी तू? हैं? थी कहाँ तू? ऐसा कुछ नहीं, दरअसल इसको जो मैंने मारा था, हाथ मारा था, और ये हमारे ऐसी शूटिंग चल रही थी मजाक में, तो मतलब हम सोच रहे थे ना कि कोई हम कॉमेडी वीडियो बनाएं और उसमें सीरियस रोल कर सकते हैं, तो इसने मेरे को बोला था कि भैया आप एक सीरियस रोल करके दिखाओ जरा, तो इसको पता ही नहीं चला, इसने सोचा सही में मार रहा है भाई। अरे यार, इसने खुद ही मेरे को बोला था कि कोई सीरियस रोल करो, तो मैंने इसको बोला था कि देख ऐसा सीरियस होते हैं, मैं हमेशा हंसाता हूँ, तो मैंने इसको देखा कि देख ऐसा सीरियस रोल करना है, तो मैंने जानबूझ के एक्टिंग किया भी थोड़ा, और ये एकदम घबरा गई। अरे यार सच में मारूंगा क्या इसको, हद है यार, क्यों मारूंगा इस पागल को, वो तो ऐसी मैंने इसको दिखाया कि सीरियस रोल ऐसा होता है। कैसा लगा आपको मजाक, आप भी सीरियस हो गए होंगे कि सही में मार दे इसको, तेरे को कैसा लगा? देखो इसकी एक्टिंग, देखो इसके भी, या या मारा नहीं मैंने, हाँ पहाड़ी भाई बहुत गंदे हैं यार, इसी ने बोला मैं क्या करूं, इसी ने बोला सीरियस एक्टिंग कर, मैंने सीरियस एक्टिंग कर ली बस। ऐसा समय हो रहा है 3:30, हाँ, और मेरी माँ आई और फिर से जा रही है, और वाह देखो यहाँ आज, अरे वाह क्या खतरनाक लग रही है, अरे वाह। क्या माँ खानी पक्का नहीं अब तो भाई साहब, देखा मतलब मम्मी घा लेके आई, थोड़ा चाय पी और बोल रही कि गोबर निकाल रही हूँ, सही है। तो माँ एक सवाल है, लोग बोलते हैं कि आप मतलब अपनी माँ के साथ मदद नहीं करते, तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो मम्मी खुद करते, तो मेरी माँ बोल रही कि मैं खुद कर लेती हूँ, मुझे जरूरत नहीं। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि मेरी माँ ने कहा जो बहू आएगी उससे जरूर करवा देना मेरे साथ थोड़ा हेल्प, नहीं माँ हेल्प मतलब जैसे खाना खुना बना दे थोड़ा, बाकी भाई आजकल की लड़की आपको पता है, आजकल की लड़की बस की नहीं भैंस रखना ना गोबर साफ करना, किचन का काम करे वही बहुत है, क्यों माँ? नहीं तो भाग जाएगी ससुराल छोड़ के।